जय श्री कृष्णा। चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 371 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु ईसा पूर्व 283 में हुई थी। चाणक्य का उल्लेखन मुद्राक्षस, बृहत कथा कोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ महावंश, जैन पुराण आदि में मिलता है। ब्रह्मत कथा कोश अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य का असली नाम विश्वगुप्त था। भारत के राजनीतिज्ञ इतिहास में आचार्य चाणक्य का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। चाणक्य एक कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं, शिक्षक, धर्माचार्य, लेखक और अर्थशास्त्री भी थे। कहते हैं कि वात्सायन नाम से उन्होंने ही कामसूत्र लिखी थी। चाणक्य के पिता चाणक ने उनका नाम कौटिल्य रखा था। चाणक्य के पिता चाणक के मगध के राज द्वारा राजद्रोह के अपराध में हत्या करने के बाद चाणक्य ने राज सैनिकों से बचने के लिए अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया था। विष्णुगुप्त नाम से ही उन्होंने तक्षशिला के विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की। कौटिल्य नाम से भी विख्यात चाणक्य ने अर्थशास्त्र का महान ग्रंथ लिखा है। विष्णुगुप्त तक्षशिला वर्तमान में रावलपिंडी के पास के निवासी थे। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एवं नीति शास्त्र नामक ग्रंथों की गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है। चाणक्य नीति में वर्णित सूत्र का उपयोग आज भी राजनीति के मार्गदर्शन सिद्धांतों के रूप में किया जाता है। तक्षशिला में रहकर ही आचार्य चाणक्य ने सम्राट पुरु के साथ मिलकर मगध सम्राट धनानंद के साम्राज्य पर अधिकार की लड़ाई लड़ी, राजनीति समर्थन जुटाया और अंत में धनानंद के नाश के बाद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया और खुद महामंत्री बने। मगध की राजधानी उस वक्त पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त के दरबार में ही मेघ स्थनिज आया था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। चाणक्य के कहने पर सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। उल्लेखनीय है कि गंधार के राजा आबी के साथ मिलकर आचार्य चाणक्य का जीवन बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। चाणक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य चाणक्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटा। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। जब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्या के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा, तब तक यह शिखा खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, धनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो, उसकी मृत्यु का लेख अब मैं लिखूंगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।